दिनों के बाद उठ देखा मैं, ये जा रहे थे लड़की लोग आंटी लोग, तो मैंने उनको हाय बोला तो उन लोगों के फेस में स्माइल आ गया, मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो वाला क्लिप मैंने बना नहीं पाई और आगे भी बहुत सारे जा रहे थे, बहुत दिनों के बाद देखा मैंने गाइस। रॉकेट क्रॉस होते हैं ना उसके, मतलब एयरप्लेन। आई नो हमने एमपी पूरा क्रॉस कर दिया, ख़त्म कर दिया हमने 300 किलोमीटर और ये हमारे 30 किलोमीटर बाकी था नागपुर का, हम पहुंच गए थे। गाइस हम रूम ढूंढ रहे हैं, हमको रूम नहीं मिल रहा है और रूम जो मिल रहा है 5000 का रूम बस एक रात के लिए, नहीं लेंगे भाई हम, उससे अच्छा हम चला के चले जाएंगे कार। नागपुर से मेरे को लग रहा है ये नागपुर नहीं, ये लग रहा है मेरे को बैंगलोर है, बैंगलोर का प्राइस तो चल रहा है भाई यार होटल रूम के लिए, गरीब हो जाएगा कोई भी आएगा तो होगा अंदर अंदर, बट हम जी को सर्च किए थे ना 5000। ए लड़का इधर देखो ना पगलू, ये कौन सा स्टेडियम है गाइस बताना, हम नेट में सर्च किए थे तो हमको तो पता चल गया है कौन सा स्टेडियम है, आप भी बताओ कौन सा स्टेडियम है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो गाइस हम रात को होटल ले लिए थे और खाना भी खा लिया था जोमेटो से ऑर्डर करके, और अभी हमने चेकआउट कर दिया है, अभी हम जाएंगे सीधा डायरेक्ट बैंगलोर और वहाँ रुकेंगे, बीच में कहीं रुकेंगे नहीं, मतलब होटल लेके रात को, क्योंकि आज रात को हम पहुँच जाएंगे। सो मुझे सबसे अच्छा नागपुर का यही लगा, पिलर में बहुत अच्छा ड्राइंग किया गया था और रात को यहाँ लाइट भी जलता है, बहुत अच्छा लगता था। मैंने एक्चुअली में वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं फ़ोन में बात कर रही थी मम्मी के साथ, सो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, रात को व्यू दिखाते गए बट मेरा बैड लग है कि मैं नहीं बना पाई, आप इसी को ही देख लो कितना अच्छा लग रहा है ना। हेलो गाइस, तो हम लोग महाराष्ट्र क्रॉस हो चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ये तेलंगाना स्टेट आ चुका है, यहाँ पर हैदराबाद वगैरह थोड़ा बड़ा सिटी मिलेगा अपन को। ये देख रहे हैं ये बिग बॉस देख देख के आगे जा रही है, मस्त हमने बिस्तर बना लिया है, छोटा सा कमरा बना लिया है। हम एक पंजाबी ढाबे में रुके थे, वहाँ का खाना बहुत अच्छा था और वो हाथ धोने गए थे, उसके बाद वो आ गए, वो छपरी जैसे दिख रहे थे गाड़ी चला चला के। हमने खाया मसाला पापड़ और जीरा फ्राई, दाल मखनी और आलू चना। हैदराबाद पहुँच गए, ये हैदराबाद का रिंग रोड, बहुत स्मूथ बहुत क्लीन बहुत अच्छा रोड है। हेलो गाइस, तो अब हम लोग 230 किलोमीटर बचा हुआ है और बैंगलोर के काफ़ी पास आ गए हैं, हमने सोचा थोड़ा पेट्रोल भरवा लें, फुल टंकी करवा ली, इसीलिए अब फुल ख़त्म तो होगा नहीं, और अब हम खाने के लिए रुकेंगे थोड़ी देर में, उसके बाद फिर शायद डायरेक्ट पहुंच ही जाएंगे बैंगलोर, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। बहुत सारा सामान है, कल उतारेंगे हम, तो अभी पहुंच गए हैं। नाइट, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।